अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। यार ये ना जिस तरह के पता है कुर्बानी आने वाली है, तो ये बकरे दो लेके आए हैं माशाल्लाह। तो इनके खुराक के मतलब मैं आप लोगों को आज एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के देता हूँ कि हम लोग इनको क्या क्या खुराक डालते हैं। तो जी ये छोटे वाला है जी टीनू, ये है जी मीनू। छोटे वाला इसको लगाता है फटका बड़े वाले को, क्योंकि छोटा बड़ा शरारती है, बड़े वाले को ये मारता है। तो ये है जी टीनू, तो वो है मीनू। अब इनकी खुराक जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसमें जी चने हैं, गंदुम है, और इसमें मकई है, और इसमें है जी फीड वगैरह थोड़ी सी डाली है ताकि इन्हें टेस्टी लगती हो खाने के लिए। पट्ठे वगैरह तो आपको पता ही है, नॉर्मल ही खाते हैं। तो ये फीड है जी, इसमें काला चना है, इसमें दाल माश है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो जो चीज़ें हैं फीड के हवाले से। इससे ये है कि बकरे को ना खाने पीने में बड़ा, ये बड़ा शरारती है जी। ये देखें ये बड़ा शरारती है, दो मिनट बाद अपनी टांग भी उठाता है। ये टांग, ये टांग भी उठाता है कि मुझे दबाओ। ये इस तरह के माशाल्लाह घर के पले हुए बकरे हैं, ऊपर क्योंकि आज लाहौर का मौसम भी बड़ा अच्छा है देख लें। तो अभी बादल वगैरह भी आए हैं, बारिश रात को ही है। तो इनकी खुराक के मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डालते हैं। ये देखिए ये है जी फीड, इसके अंदर है, ये है फीड हो गई। इसके अंदर है जी ये होगी जी इसके गंदम, जो नॉर्मल गंदम होती है, ये गंदम है जी। इसके नीचे पड़े हैं जी चने वगैरह और दूसरी सारी मिक्स जो कि आपको बाज़ार से कहीं से भी मिल जाएगा। ये है जी चना, चने की दाल, ये सारी चने की दाल है। तो ये तीनों चीज़ें हम मिक्स करके देते हैं, और साथ पट्ठे नॉर्मल वो तो खाते ही हैं, ये हम सुबह के टाइम इनको देते हैं। तो पट्ठे वगैरह पड़े हैं, पट्ठे वगैरह डालेंगे तो इनको इधर डालते हैं। तो इसे ये है कि माशाल्लाह कुर्बानी का कोई भी जानवर हो तो अगर आप इतनी देर पहले लाए हैं तो फिर एक दिल लगी सिवा हो जाती है जानवर के साथ। तो माशाल्लाह ये अब इधर थोड़ा देर जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब इनको डाल रहे हैं, ये टांग उठाता है जी ताकि मुझे दबाव वगैरह। और ये बड़ा शरारती है ये वाला, ये बड़े को मारता है। अगर मैं अभी साइड पर करूँ देखना, छोटे वाला बड़े को पकड़ लेगा। ये जी लड़ाई के मास्टर, अभी इन्होंने खाना शाना खा लिया है। तो अब ये हम लोग इसके आगे से उठा लेते हैं, ये इनको सुबह देते हैं और शाम को देते हैं, दो टाइम इनके लिए उन्होंने इनको देती है। इनके लिए ये कूलर वगैरह लगाया हुआ है क्योंकि गर्मी आपको पता है लास्ट दो दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से फिर इनके लिए कूलर वगैरह भी लगवाया ताकि इनको गर्मी वगैरह ना लगे। ये देखिए लड़ना स्टार्ट हो गए हैं, अब इन्होंने खा लिया, अब इनको चढ़ रही है मस्ती। जब इनको खा लेते हैं ना फिर चढ़ती है इनको मस्ती, फिर ये लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले उससे पहले अभी खा पी लिया, अभी लड़ेंगे थोड़ी देर, जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे फिर ये, मैं कहता हूँ कूलर की ठंडी हवा चलती है, ये मस्त होकर सो जाती हैं। ये देखिए ना ये निकाल बाहर नहीं निकल रहा, अभी ये छोटा ना पंगा लेकर अगर मैं चार बजे साइड पर करता हूँ ना। ये देखिए ये छोटा क्योंकि मस्ती बड़ा डरता है, बड़ा शरीफ है। ये जो छोटे वाला है ना टीनू, ये मीनू को बड़ा दोता लगाता है। मीनू अलग बड़ा है, मीनू ने एक दफ़ा पकड़ लिया ना टीनू दोबारा नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये बड़ा है माशाल्लाह, ये नहीं मारता। ये देखिए ये पंगे लेता है उससे जा के, आज तो पूरा पूरा जोश चढ़ गया अभी, क्योंकि इन्होंने अभी खाना खाया, अब है इनका मस्ती प्रोग्राम, क्योंकि खाना खाने के बाद इनका मस्ती प्रोग्राम हो जाता है शुरू। ये देखें ये ताई, ये मस्ती प्रोग्राम है जी, ये इनके रूटीन का है जी। खाने के बाद एक दो दफ़ा जब तक ये झड़पे ना ना करें, मेरा ख्याल है इनका खाना हज़म नहीं होता। ये देख भाई बड़ा भी बड़ा बड़ा काम लड़ता है, बड़ा क्योंकि शरीफ है। ये बड़ा जो टीनू है ना ये सही मारता है जी, देखें इसको मस्तियाँ आ रही हैं अब, क्योंकि अब खाना शाना खा लिया। तो बड़ा तो शरीफ है, बड़ा साइड साइड पर जाता है। अगर मैं भी इसको मारता हूँ ना ये देखना, मेरे साथ भी मस्तियाँ करता है, ये मस्तियाँ करता है आगे से। ये देखें ये मस्तियाँ कर रहा है, मस्तियाँ इस टाइम पूरा उसका ना खेलने का मूड है। ये मेरी तरफ ही आता है, ये देखना इसको जैसे मर्जी मारो, ये बड़े को ये कुछ नहीं करता, ये शरीफ सादा सा बच्चा, ये मदर मदे का बंदा, ये मेरे लेवल
लेवल का, ये सही है जी, सुलझा सुलझा रहता है, सुन से कोई तंग नहीं करता। ये देखिए, ये मस्तियाँ करता है जी, इसकी रस्सी खुल जाए ना, ये तो आफत मचाता है, आफत। बाज नहीं आएगा, चल मुझे ही मारने को पड़ रहा है। तो ये ज़रा शरीफ है, इसको जैसे मर्जी हाथ लगाओ, ये नहीं कुछ कहता जी, ये कुछ नहीं करेगा, ये है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।